यूडायस पोर्टल पर छात्रों का डाटा न अपलोड करने वाले 300 विद्यालयों को दी गई मान्यता प्रत्याहरण की नोटिस। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा का शिक्षा विभाग अब विद्यालयों में छात्रों के नामांकन को लेकर हो रही फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए नया तरीका अपनाया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के सभी विद्यालयों को रोडायस पोर्टल पर छात्रों का डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्देश के बावजूद भी जिले के 300 विद्यालयों ने रोडायस पोर्टल पर छात्रों का डाटा अपलोड नहीं किया, जिसको लेकर अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक ने कार्य में स्थिरता बरतने वाले 300 प्रबंधकों को मान्यता प्रत्याहरण की नोटिस देते हुए डाटा अपलोड न करने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि 300 विद्यालयों को मान्यता प्रत्याहरण के लिए नोटिस दिया गया है और निश्चित ही अगर यह लोग डाटा अपलोड नहीं करते हैं तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस बार गोंडा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड के साथ छात्रों का नामांकन में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने को लेकर रोडायस पोर्टल पर छात्रों के डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया था और परिसदीय राजकीय वित्तहीन केंद्रीय विद्यालयों व मदरसा में अध्ययनरत छात्रों का विवरण यूडायस पोर्टल पर अपलोड करना था। प्रथम चरण में विद्यालयों के भौतिक संसाधनों की सूचना और द्वितीय चरण में अध्यापकों का विवरण भरना है, जिसमें शिक्षक का नाम, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता व उपलब्धियों को अपलोड करना था और अंतिम चरण में पोर्टल पर छात्रों का विवरण अपलोड करना था, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किया गया। गत वर्ष की बात करें तो 8.84 छात्रों का नामांकन था और 5.98 लाख छात्रों का ही यूडायस विवरण पोर्टल पर अपलोड किया गया है और 2.86 छात्र छात्राओं का विवरण अभी भी पोर्टल से नदारद है। आलम यह है कि शिक्षा विभाग के 222 स्कूल व अल्पसंख्यक विभाग के 176 मदरसों ने छात्रों की डाटा एंट्री प्रारंभ नहीं की है, जिसको लेकर के नाराजगी व्यक्त करते हुए मान्यता प्रत्याहरण की नोटिस देते हुए चेतावनी दी गई है। अगर नोटिस मिलने के बाद भी डाटा नहीं अपलोड किया गया तो 300 विद्यालयों से मान्यता छीनी जा सकती है। हाँ, यूडायस फीडिंग के मामले में नोटिस दी गई। यूडायस में स्टूडेंट डेटा भरने में लापरवाही कर रहे थे, कई नोटिस देने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ तो 300 स्कूलों को मान्यता प्रत्याहरण के लिए नोटिस दिया गया है। इसमें यूडायस में पहले स्कूल प्रोफाइल और टीचर प्रोफाइल भरी गई थी, इस बार स्टूडेंट प्रोफाइल भी भरा जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट से संबंधित सारी डिटेल होती है, उसमें नाम, पिता का नाम, सारी चीज़ें होती हैं। इसका ये फायदा होगा कि आगे हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि डुप्लीकेशन ना हो जो एडमिशन होते हैं, जो अगर एक बच्चा कहीं एडमिशन लिया हुआ है तो दूसरे विद्यालय में अगर एडमिशन लेता है तो वो पकड़ में आ जाएगा। अब जो भी है किसी स्तर से लापरवाही वो लोग कर रहे थे, तो अगर वो डेटा नहीं भरते हैं तो निश्चित ही मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी। गोंडा से राजमंगल सिंह की रिपोर्ट।